आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं कि मिस कनिका एक क्लास 10 टीचर जो है उसने अरेंज किया था गिवन सेटअप टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद स्टीम, राइट। ये सेटअप है जिसमें आप देख सकते हो कि डिफरेंट मेटल्स जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। सो फाइव स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, रोहित, सिद्ध, प्रीति, जॉय एंड रोशन। उन्होंने अपनी यहाँ पर क्या है ऑब्जर्वेशन दी है, आपको बताने की इनमें से किन की ऑब्जर्वेशन जो है वो करेक्ट है, फाइन। सो देखो, हमें बेसिकली रिएक्शन देखने हैं मेटल के साथ। सो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, सॉरी, रिएक्शन देखने हैं मेटल की स्टीम के साथ, राइट। सो ये मेरे पास मेटल्स है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके स्टीम बेसिकली क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वो क्या होता है, एक तो मैग्नीशियम होता है। सो मैग्नीशियम जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम मतलब जब वाटर गैसेस में, राइट। सो ये कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड H2 गैस का एवोल्यूशन करता है और ये रिएक्शन जो होती है वो काफ़ी विग्रस होती है। सो ये तो मेरे पास ट्रू है। नेक्स्ट बोला गया कि जब Ag वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सो एक चीज़ आपको समझनी होगी, देखो Ag हो गया हमारे पास, Ag जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, राइट। सो मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव है, सो ये तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही, सो नो रिएक्शन। सो ये आपकी ऑब्जर्वेशन फॉल्स है। यहीं पर आयरन और आपका जब जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सो वो कॉरेस्पॉन्डिंग अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, Fe के केस में Fe2O3 बनता है, राइट, इसका एवोल्यूशन, और नॉट Fe2O। सो ये भी फॉल्स है आपके पास। हमारे पास क्या होता है, समटाइम्स आपको Fe3O4 भी दिखाया जाता है। सो मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास ये वाली टाइप की ऑक्साइड्स बनती है, Fe2O नहीं बनता है। सिमिलरली जब जिंक रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, तो जिंक ऑक्साइड और H2 बनता है, जिंक हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। सो ये भी फॉल्स है। और कॉपर जो होता है, जैसे कि Ag इनर्ट होता है, कॉपर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ऐसे कॉपर भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कॉपर जो होता है वो कॉपर Ag दोनों ही हाइड्रोजन से क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, सो वो रिएक्शन नहीं शो करेंगे। सो ये ट्रू है। सो इनमें से इनकी ऑब्जर्वेशन आपकी करेक्ट है, रूही एंड रोशील ओनली की, दैट इज ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।